हेलो गाइस वेलकम टू क्रिएटिव वॉइस इनकी वीडियो में पाकपोना पोको एक्स टू अनबॉक्सिंग एंड फुल रिव्यू दा वीडियो पाकपोरोम। सो फर्स्ट वो अनबॉक्स पण्णिडलाम। ना वो प्रोडक्ट वह पाती फ्लिपकार्ट लंदन बाय पण्णे। सो प्रोडक्ट बॉक्स वह पाती ब्लैक एंड येलो कलर फिनिशिंग वह कुत्तुरुक्कांगा। सो इत वो ओपन पण्णि उल्ल एन्नेन्न इरुक्कु अप्पडिंगिरदु वह फर्स्ट वह अनबॉक्स पण्णिडुवोम। सो फर्स्ट वो येलो कलर कुटी पाक्स अब पाती पाती सिम एजेक्टर टूल वो वे सिम एजेक्ट पड़कों को सो अद पाती मैनुअल कार्ड्स अदपोल चिना चिना बुकलेट्स वो वारंटी कार्ड वो अंदर सो अद पाती सिलिकॉन केस वो सो सिलिकॉन केस वह पाती स्मार्ट फोन वरक नार्मलान मुख्य सिलिकॉन केस वे लाइफा वो ओटा अब निका पाती चार्जिंग अडाप्टर वह कुछ इतनी 27 वाट्स वो चार्जिंग अडाप्टर। सो इत 27 वाट्स वो बॉक्स वर्त वो रोमे वो सूपरान वो इतर अड्वांटेजा। सो अद पाती टिप्सी पोर्ट केबल वो सो नेक्स्ट वह पाती नम स्मार्ट फोन वो सो स्मार्ट फोन कई एवं सो रोमे वो ग्लासी फिनिश वो फील पड़े रोमे वो प्रीमियम लुक वो कहना ना कई एड़ो फील पड़ा वो रोमे वो वेटा है ना 4500 एमएएच वो बैटरी वो कैपेसिटी। सो नेक्स्ट वह पाती पोको एक्स टू फिजिकल ओवरव्यू दा पाकपो। सो की बाटम वह पाती MP3 जैक टाइप सी पोर्ट अदर स्पीकर अदर माइक वो सो राइट साइड वह पाती वॉल्यूम अप डाउन की अदपोल वो फिंगर प्रिंट सेंसर को अलग वो पवर ऑफ बटन वो सो अदपोल लेफ्ट साइड वह पाती सिम स्लॉट वो सो टॉप वह पाती आईआर ब्लास्टर अदपोल वो सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक को सो पिनाडी वह पाती कैमरा वह अदपोल वो ग्लास फिनिशिंग वो सो अ ग्लास फिनिशिंग पाक रोमे वो अट्टहासमा। नेक्स्ट वह पाती पोको एक्स टू कैमरा परफॉर्मेंस पता पाको। सो पिनाडी वह पाती कैमरा वो इोड मेन कैमरा पाती सोनियो IMX 686 64 मेगापिक्सल कैमरा वो सो रोमे वो तरान और पर्फॉमस वो ना वो यूस पड़े तब सो कैमरा सैंपल्स वो कमी वो पाँच इत वो कैमरा वरक डिफॉल्ट 16 मेगापिक्सल शाट इतने पाती है डायनामिक रेंजा एंत क्लियर अभी कलर वो एंव नेचुरा अब पाता वो उम्मीद। नेक्स्ट वो 64 मेगापिक्सल फोटो वो पाती वो ना जूम पड़ी काम करें क्लियर डीटेल्स वो क्लियर अभी वो पारें सो ना जूम पड़ा पाती मर वो क्लियर अब नेक्स्ट वो पाती वाइड एंगल 8 मेगापिक्सल शाट वह पाको इत वो रोमे वो ना पर्फॉमस पड़ीचंदा डायनामिक रेंज पाती इतमेंगे वो फ्लॉप आगे। सो नेक्स्ट वह पाती मैक्रो शॉट्स वह पाकपो स्मार्ट फोन वरक एवरेज पर्फॉमस वो इंतजी। सो नेक्स्ट वह पाती लो लाइट वो पर्फॉमस ना पाता है डायनामिक रेंज अंदर रोमे वो ना पाती नाइट मोड कुछ इन रोमे वो पिक्चर वो ना सो अ स्मार्ट फोन अवलोदा कैमरा पर्फॉमसा वे ये कुमें कंपा वह बोके शाट्स वो सब शाट्बोद सैचुरेशन लेवल रोमे वो मोकया वो एपी पाती रोमे वो ओवर सैचुरेशन और सबर वो ओवर सैचुरेशन पिड़ी बट आना इंत पाती फोटो युमे आवाद अंदर केवल फोटो वो वो इत वो मे बी फ्यूचर वो अप्डेट को सारी पड़ा ना सो कैमरा पर रोमे वो ना कैमरा ना सोलह फ्रंट वह पाती मेगा पिक्सल कैमरा को इतना पढ़े सेन्सर ऐसा इत वो K20 प्रोल वो आलरे पाती कैमरा वो पुदा वो कैमरा वो रोमे वो ना पर्फॉमस पड़ो इन कुछ अब पाती सैचुरेशन वो रोमे वो अधिक स्किन कलर वो रोमे वो ऐति कामी। नेक्स्ट वह पाती गेमिंग पर्फॉमस पे पाको गेमिंग पर्फॉमस अब इंतजुद चिपसेट या स्नैपड्रैगन 730G वो गेमिंग चिपसेट वो सो इत रोमे वो ना चिपसेट फॉर गेमिंग आगो इं वह पाती पब्जी विदोड डीफाल्ट सेटिंग्स पाती HD वरी अद्कम अल्ट्रावो अल्ट्रा HDO अमेरमे वो वर्क आगे एल स्मार्ट फोन मारे इत वो कमिंग सून अट्ठा ना वो गेम विदोर लैगो वो एमें फ्रेम ड्रापो ये वो सदे वो 120 हर्ट्ज़ डिस्प्ले वो यूस पड़ी पाटो रोमे विदा स्मूत विप सो कंपा अंत चिपसेट वो ना वो आप्टिमेज़ पड़ा ना वो पाती कट और 1.5 मण रे मण गेम वो विमे फ्रेम ड्रॉप वो सदे।
கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 hours அப்புறம் விளையாடுறதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டிங் இஷ்யூ வந்து எந்தளவு இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்டிங் இஷ்யூ இல்லவே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா வந்து கிளாஸ் பேக் கொடுத்துருக்கனால ஹீட்டிங் இஷ்யூ வந்து லைட்டாக வந்து எங்களுக்கு தெரிஞ்சுது. ஸோ பேட்டரி லைஃப் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து 4500 mAh கொண்ட ஒரு பிக் சைஸ் பேட்டரி தான் வந்து கொடுத்துருவாங்க. ஃபோன் வந்து ஹெவியாக இருக்குது அப்படின்னு ஏன் நான் சொன்னேன் வந்து உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ 4500 mAh வந்து ஒரு பெரிய பேட்டரி தான். ஸோ இந்த பாக்ஸ்லேயே வரக்கூடிய 27W சார்ஜர் வச்சு யூஸ் பண்ணி நாங்கள் வந்து சார்ஜ் பண்ணும்போது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து 1.5 hours வந்து ஃபுல் சார்ஜ் ஆகிடுச்சு. ஸோ நாங்கள் ஃபுல் சார்ஜ் போட்டு யூஸ் பண்ணி பார்த்தப்ப எங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஹெவி யூஸாக யூஸ் பண்ணாலும் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா 1.5 days வந்து கண்டிப்பாக வந்து பேட்டரி லைஃப் வந்து நிற்குது. ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு பேட்டரி தான் சொல்லி அவனுங்க. என்ன ஃபால்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து நார்மல் டிஸ்பிளே வந்து கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்லெட் டிஸ்பிளே கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இன்னும் மேபி வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நல்லாவே தந்துருக்கும். ஸோ அங்கே நாங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 60Hz டிஸ்பிளே யூஸ் பண்ணும்போது சார்ஜ் வந்து நல்லாவே வந்து தாங்குச்சு. அதே நீங்கள் வந்து 120Hz டிஸ்பிளே யூஸ் பண்ணும்போது பேட்டரி வந்து கிட்டத்தட்ட 40% வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து ட்ரைன் ஆகுதுன்னு தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் நோட்டீஸ் பண்ணது. 16-17 rupees ரேஞ்சுக்கு இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து ஒரு நல்ல ஸ்மார்ட் ஃபோன் தான் சொல்லணும். ஒரு சின்ன சின்ன ட்ராபேக் மட்டும் இருக்குது, அதை மட்டும் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து ஒரு நல்ல ஸ்மார்ட் ஃபோன் நான் வந்து சஜஷன் பண்ணுவேன். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா வீடியோ வந்து லைக் பண்ணுங்கள், அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே போல் நிறைய வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்காக கற்றுட்டுருக்கு. அதுவரை உங்களை இருந்து விடையிறது உங்கள் கிரியேட்டிவ் பாய்ஸ்.